महिला दिवस के इस पावन पर्व पर मैं सभी जनपदवासियों और प्रदेशवासियों को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आज के समय में जो स्वतंत्रता दिवस का आकलन करते हैं तो निश्चित रूप से ही ये हमारे लिए गर्व और प्रसन्नता, और हमारे जो महापुरुष रहे हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं, उनका अंग्रेजों के विरुद्ध जो अपने जी जान लगा करके उन्होंने संघर्ष किया, उसी का परिणाम ये आज स्वतंत्रता दिवस जो हम मनाते हैं वो है। लेकिन आज हमारे सामने चुनौतियां भी बहुत हैं। अलगाववाद, आतंकवाद जो विशेष रूप से हमारे कुछ पड़ोसी देशों के द्वारा पैदा किया गया है, हमारे देश के अंदर देश को कमजोर करने के लिए, देश के अंदर विरोधी शक्तियों को बल देने के लिए, इसका भी मुकाबला हम देखते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत कुशलता से, बहुत बुद्धिमत्ता से इन सब विपरीत शक्तियों का मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों को भी इस में माननीय प्रधानमंत्री जी का सहयोग करना होगा, अपने देश का सहयोग करना होगा, लोगों के बहकाए में नहीं आना होगा। निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि जो परिस्थितियां हमारे देश के अंदर हैं, दुनिया के अंदर हमारे देश का भविष्य बहुत उज्जवल है, और निश्चित रूप से जो हम कल्पना करते चले आ रहे हैं कि आने वाले समय में भारत विश्वगुरु बनेगा, तो निश्चित रूप से मैं ये मानता हूं कि पहले राम राज्य की स्थापना होगी और फिर भारत के विश्वगुरु बनने का सपना पूरा होगा। जय हिंद।